नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेल तुम लोग आज भिडिओटर जरिए क्लास सिक्स हिंदी बाघ और बतोही ए पार्टी लै आनीसूँ ये पार्टी बुझा दी और इतना अभ्यासमलाखि आलोचना करम जो भिडिओटी भल लगे लाइक शेयर एंड कमेन्ट कर और सबसक्राइब करा एसन य मूल पार्टी जाओ बाघ और बतोही बाघ और बतरुआ। एक बाघ इतना बुरा हो गया था कि शिकार नहीं कर पाता था। एटा बाघ इमान बुरा हुसिल जे ही शिकार करिबो परा नासिल। एक दिन दलदल वाले तालाब के पास उसने सोने का कंगन देखा। एटा पुखुरीर काखत बा तालाबर काखत एटा ही एडाल कंगन माने खारू देखिसे। इसे उठा लो शायद कभी काम आए। बाघटे कैसे जे यू बस्तु उठाई लो हूँ के काम पारे। कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा। भावि जे कुनोबा जो इपिने आए तेने मानुजनक बस्तुटक मैं कंगन माने खारू लालच देकिने फसाब पारिब। थोड़ी देर में एक बतोही तालाब के दूसरे किनारे पर आया और हे तालाब तोर पुखुरी तोर काखत बेलेग एटा पारत पातरुआ एजन आहिसे। बाघ ने उसे देखा बाघटे तक देखिसे यार परा बाघटे पातरुआ जनक देखिसे। मुझे आदमी का मांस अच्छा लगता है और आदमी को सन प्रिय है। तेते ही भाविसे जे मुख मानुहर मांस भल लगे किंतु मानुहे खून भल पाए। अरे भाई सुनो यह सोने का कंगन लोगे मेरे काम का तो है नहीं। कैसे जे और भाई खुना मोर ए कंगन पट लोबा ने कि मोर कोनो कामत ना है। सोने का कंगन जी ललसता है पर जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तेतिया बातुरा जने भाई से हुनर भाविसे जे हुनर खारू किंतु निजर जीवन तो चाब लगिब हेकाने माने लूप लागिले जेन जीवन तो बाचिब पारे हेतु कथा ही आगते भाविले। उसने बाघ को देखा तेतिया ही बाघटुक देखिले। हूँ ऊ कंगन में लेट तो लू पर तुम्हारे जैसे हिंसक जानवर का विश्वास कैसे करो। तेतिया बातरुआ जने कैसे जे कंगन तो मैं लै लब पारो किंतु तू निचिना हिंसक जंतु मैं केने के विश्वास करूँ। तुम्हारा संदेह ठीक ही है मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। तेतिया बाघटे कैसे जे तुम्हें जे सन्देह करिसा एटु ठीके करिसा क्यों मैं मोर जीवन बहुत पाप करिसूं। पर अब एक सन्यासी की सीख में से बदल गया हो। तेतिया कैसे जे किंतु मैं इतना चेंज हो गई क्यों एजन सन्यासी मोक बुझाई दिसे। तुम आकर कंगन ले जाओ कैसे जे तुम्हें आही मोर कंगन पट लै जाब पारा। मैं उधर आया तो मेरी गन पाकर तुम सन्यासी की सीख भूल जाओगे। तेतिया बातरुआ जने कैसे जो मैं इपिने जाओ सीपिने जाओ गले किंतु तुम्हें निजर सन्यासीर कथा पहरी जाबा और मोक तुम खाई दिबा। नहीं भूलूंगा फिर बूढ़ा हो गया हूँ मेरे नाखून खीस गए हे कैसे जे ना नपहरू जो मैं बूढ़ा हो मोर नाखूनबाको एकदम कम नोहा हो गई। तुम डरो मत कैसे जे तुम भय नक तालाब में उतरो और इधर आकर कंगन ले जाओ पुखुरी नामा और नामी मोर कंगन पट लै जुआ। बतो ही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि बाघ का डर भूल गया। यार कथाओ शुनिले शुनी शुनी माने तार सोनर लालच तो इमान बाढ़ गल लूभ बाढ़ गल जे ही बाघर भय तो पहरी गल। लगता है बाघ सच कह रहा है। तेतिया सचा कैसे सके बाघे तार नाखून बेहा हो गए ही बुढ़ा हुई है भाभी ही तालाब गल। मैं उस पार जाकर कंगन ले लो भाभी से जे मैं पुखुरी तो सीपियारे गई मैं कंगन पट लै लो।
उसने तालाब में दो चार कदम ही रखे थे कि तालाबर भीतर ही दूटा एटा कदम राही से मुठे माने खुश दिसे मुठे बाप रे में दलदल में फंस गया ही माने बहुत भूखा से भूखा ही फंसी गोल कोई निकालो कैसे से कोनो भाई मुँह कुलुआ हो तुम फंस गए पर घबराओ मत मैं आकर निकलता हूँ। तेतिया बाक्टुए कसो ओ तुम्हें याते फंसी गला कुनु मैं भय न करीबा मैं तुमक उलियाई दिम। बाघ भयंकर मुद्रा में धीरे धीरे बतो हुई की और बढ़ा और उस पर झपट पड़ा। तेतिया बाक्टुए धीरे धीरे तार ऊर आसे हिंसक धरने आहिसे आही तक पकड़ लैसे बा झपट करी लैसे। हाय बड़ा मूर्ख हूँ जो लालच में पड़कर मैंने विवेक त्याग दिया। तेतिया भविष्य मैं कि मूर्ख काम करूँ जे लोभत पड़ी मैं मोर विवेकर कथा नामानिलो बा त्याग करूँ सेकारे मैं मरबलगा हल मैं कि मूर्ख। पिछत इते समाप बुली दिसे जे मांस खाए बा बटईटूक खा पेलाले यूर मांग पड़ी से अभ्यासमला बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्द में बताओ कब दिसे। प्रस्तुत चित्रकर्ता बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है। बाघ और बटोही से ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। चीनी से उत्तर लिखो को बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब छोसी। उत्तर बूढ़े होने पर बाघ ने छोने का कंगन दिखाकर किसी को फंसाने का तरकीब सोची। खा बाघ ने किसका लालच देकर बतोही को तालाब में फंसाया। उत्तर बाघ ने सोने का कंगन दिखाकर बतोही को तालाब में फंसाया। गा बाघ की बातें सुनकर बतोही ने क्या किया। उत्तर बाघ की बातें सुनकर बतोही ने तालाब के अंदर चले गए। तालाब में उतरते ही बतोही का क्या हाल हुआ। उत्तर तालाब में उतरते ही बतोही पानी के दलदल में फंस गए। आखिरकार बाघ ने बतोही का क्या हाल किया। उत्तर आखिरकार बाघ ने बतोही को झपट लिया। छारा से आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेले। घड़ी मेरे पास एक घड़ी है मेरी घड़ी सुनहली है उसके पास दो घड़ियां है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। किताब गाय मकान कलम बहन। मैं दूटा दूटा दिशो चाह ला किताब मेरे पास एक किताब है उसके पास बहुत सारे किताबें हैं। गाय गाय हमें दूध देती है मेरे पिताजी के पास दो गायें हैं। मकान मेरा मकान बहुत सुंदर है उन लोग मकानों में रहते हैं। कलम वहाँ एक कलम है राजू के पास दो कलमें हैं। बहन रीता की बहन चिता है राहुल के दो बहने हैं। स्वपास इन्हें पढ़ो समझो और लिखो सुकियस्य मनुष्य भविष्य भाष्य दुग्ध दैवध बुद्ध प्रसिद्ध बुद्ध धर्म दुग्यद्य विद्यालय विद्या सुक्त स्त कष्ट राष्ट्रीय राष्ट्र। ख छोटी इकार चित्र शिकार किताब बड़ी ई इकार लड़की जल्दी मजली छोटा उकार बहुत साधु तुम बड़ा उकार धूप खून गुंज। आओ सुलेट लिखे तुम्हारा संदेह ठीक ही है मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हूँ तुम आकर कंगन ले जाओ। सेवन से आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए तालाब पोखर आसमान गगन लालस लोभ स्वर्ण सोना बतोही पथी। आठ से निम्नलिखित संख्याओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो 16 15
सत्रह इक्कीस चौदह। न से आओ यह भी जाने अमर इधर आ उधर मत जा किताब ला अपना पथ पर। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आ ला जा पर आदि क्रियापद है। अब तुम भी इसी तरह तीन वाक्य बनाओ। तीन वाक्य राहुल इधर आ किताब पर इधर मत जा। नेक्स्ट डांस से आओ पढ़े और समझे का हरी को बुलाओ। ख गाय को खास खिलाओ। ग प्यासे को पानी दो। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित को कर्मकारक का चिन्ह है। कर्मकारक और चिन्ह है से को। इसी तरह तुम भी दो वाक्य बनाओ। को थका दूटा वाक्य लिखो इससे। मोहन को बुलाओ शिक्षक को बुलाओ। नेक्स्ट से आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। कंगन कंकन कलाई में पहनने वाला एक प्रकार का आभूषण। दलदल कीचड़ देर विलंब खतरा विपत्ति। शिक्ष शिक्षा स्वर्ण सोना लालस लोभ डर भय झपट आक्रमण बतोही पथिक। আজিলৈ এইখিনিলৈকে হৈ গৈছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।